क्वेश्चन नंबर वन है, हु डिस्कवर सेल्स एंड हाउ, है ना, सेल का डिस्कवर किसने किया और कैसे किया। अभी मैंने आपको समझाया था, देखिए रॉबर्ट हुक, ठीक है, एन इंग्लिश बॉटनिस्ट, वर्ड को समझो जो जो इसमें लिखा हुआ है, बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है, पौधों पर स्टडी करने वाले, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट प्लांट्स का स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट। क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट, मतलब कि बॉटनी के स्टडी करने वाले साइंटिस्ट। डिस्कवर्ड द सेल, इन्होंने सेल का डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन 1665। ये स्टोरी मैंने अभी आपको बता दिया था, बस इसमें एक वर्ड ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि वो बॉटनी के साइंटिस्ट थे या जूलॉजी के, आप बोलना कि बॉटनी के, बॉटनी यानी कि पौधों वाले, पौधों की पढ़ाई करने वाले। ही एग्जामिन्ड अ थीन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, है ना, कॉर्क लिया था उन्होंने, कॉर्क, उसमें से पतला सा स्लाइस काट के उसकी स्लाइड बनाई थी, एंड ऑब्जर्व दैट द कॉर्क रिसेम्बल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉनीकॉम्ब। उन्होंने उसमें उसका पहले स्लाइड बना, माइक्रोस्कोप में ऐसे डायरेक्टली नहीं देखते हैं, माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के देखते हैं, स्लाइड बना के उन्होंने देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसा, कह रहा ना यहाँ पर कि हनीकॉम्ब है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर्स। ही कॉल्ड देम एज सेल, इन्होंने उनको सेल्स नाम दिया। इस तरीके से सबसे पहले सेल्स का डिस्कवर हुआ। डन। नंबर टू क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान देना इस बात पर, सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। आपकी जिंदगी की शुरुआत किससे हुई है, मैंने स्टार्टिंग बताया था सेल से हुई है। सेल जो है, एक एक सेल्स को मिलाकर के ही हमारी हर एक बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, उसके बाद एक एक सेल के अंदर ही पूरा फंक्शन चलता है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का एक यूनिट है, एक इकाई है, यूनिट मतलब वहीं से स्टार्ट होकर के और हम मल्टी सेलर बनते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अ सेल इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। एंड ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ अ सेल, जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, चाहे जानवर हों, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो सेल से बने होते हैं। इट इज़ कैपेबल टू परफॉर्म ऑल लिविंग एक्शन सच एज, हर एक इंसान में या पौधों में हर फंक्शन होता है, न्यूट्रिशन होता है, खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है, पोषण होता है, एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होता है, रेस्पिरेशन होता है, सारे प्रोसेस हम लोग की बॉडी के अंदर होते हैं। दिस ऑल ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ, तो वो सारे प्रोसेस कहाँ होते हैं, उस सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, और एक 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 सेल से मिलकर के हमारी बॉडी का निर्माण होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सेल्स कंस्टिट्यूएंट वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस इज द रीजन दैट द सेल इज द सेल, को इसलिए बोला जाता है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल का डेफिनेशन दो तो क्या बोलोगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है, एक लाइन का डेफिनेशन यही है, बोल के बताइए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या सेल, ये सेल की डेफिनेशन होती है। अब आपके जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी आगे से, ठीक है, ये दो क्वेश्चन अभी फटाफट इसको राइट करो।